बच्चों आज हम एक कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें कुछ शब्द आएंगे छोटी ई की मात्रा वाले, जिनको आपको ध्यान में रखना है और बाद में बताना है, ठीक है। करें शुरू। एक दिन किरण नाम की लड़की तकिया लगाकर क्या है ये तकिया लगाकर किताब पढ़ रही थी। क्या पढ़ रही थी? किताब, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब वो किताब पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते कुछ देर के बाद जब उसने खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ एक बैठी थी क्या, चिड़िया। वहाँ क्या बैठी थी? चिड़िया। उसकी खिड़की थी, खिड़की पर एक चिड़िया आकर बैठ गई, ठीक है। उसने सोचा कि मैं चिड़िया को देखूंगी, तो वो चिड़िया को देखने के लिए उठी, ठीक है। और जैसे ही वो उठी और फिर उसके बाद उसने बहुत जोर से चिल्लाया, वो चिल्लाई, ठीक है। और जब उसने नीचे देखा तो एक पिन थी। क्या थी? पिन। जब वो नीचे उतरी, ठीक है, तो उसने देखा कि उसकी जो पिन थी वो पिन उसके पैर में चुप गई थी, तो वो जोर से चिल्लाई। कैसे चिल्लाई? कैसे चिल्लाई? ठीक है। और जब वो रो रही थी, उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसके पास दौड़ कर आई, ठीक है। अब वो बहुत तेज तेज रो रही थी, तो उसकी माँ ने क्या किया, उसको एक शरबत का गिलास दिया। क्या दिया? शरबत का गिलास दिया। और उसको ढेर सारी मिठाई दी। क्या दी? मिठाई। ढेर सारी मिठाई दी। फिर उसने क्या किया, शरबत के गिलास से क्या किया, उसने सारा शरबत पी लिया और ढेर सारी मिठाई खा ली। फिर क्या हुआ, फिर वह खुश हो गई। तो कैसी लगी कहानी ये? अच्छी। तो इसमें छोटी की मात्रा वाले शब्द कौन कौन से हैं? जैसे दिन, दिन। क्या निकला? दिन निकला। और ये कौन है? लड़की। क्या नाम है इसका? किरण। क्या नाम है बेटा इसका? किरण। इसने क्या देखा? चिड़िया। चिड़िया। क्या देखा? चिड़िया। चिड़िया। और ये क्या पढ़ रही थी? किताब। किताब। क्या पढ़ रही थी? किताब। किताब। उसके पैर में क्या लग गया? पिन। क्या लग गई? पिन। उसने शरबत पिया, किससे पिया? गिलास से। उसने गिलास से क्या पिया? और उसने क्या खाया? मिठाई। क्या खाई? मिठाई। तो हम लोग, ये क्या है? चिड़िया। चिड़िया में कौन सी मात्रा है? छोटी की। चिड़िया। चिड़िया। ये लड़की है, इसका क्या नाम था? किरण। किरण कैसे लिखेंगे? किरण। किरण। तो मात्रा किस चीज की लगेगी? छोटी की। छोटी की। और ये क्या था? क्या था ये? तकिया। तो कैसे लिखेंगे? तकिया। तकिया, ठीक है। और ये क्या है? दिन। दिन। गिलास। गिलास, ठीक है। और ये किताब। किताब। क्या है ये? किताब। तो ये हमारे जो ये हैं, ये सारे छोटी ई की मात्रा वाले शब्द हैं। जैसे इसका नाम था किरण, तो किरण में क्या है? छोटी ई की मात्रा। और ये हमारी थी चिड़िया, चिड़िया में क्या लगा है? छोटी ई की मात्रा। तो ये छोटी ई की मात्रा वाले शब्द है चिड़िया, किरण, गिलास, ठीक है, तकिया। ये सारे शब्द कैसे हैं? छोटी की मात्रा वाले शब्द हैं। तो हमने आपके लिए ये कहानी जो अभी सुनाई है ना, ये कहानी हमने आपको यहाँ लिखी है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, इस कहानी हम क्या करेंगे, इस कहानी में आए छोटी की मात्रा वाले शब्दों को क्या करेंगे, उनके नीचे लाइन खींचेंगे। तो एक लोग बच्चे घर आओ जरा, इस कहानी में कौन कौन छोटी की मात्रा वाले शब्द आए पढ़िए और उनको लाइन खींचना है। किरण खींचो लाइन इस तरह से। हाँ, और ये क्या है? D।
गीत ठीक से पढ़ो तो। हाँ और पढ़ो आगे छोटी की मात्रा वाला शब्द। हाँ क्या है ये? किताब। और पढ़ो इसको, ये क्या लिखा है? र। तो इस और है कहीं? हाँ लगा लगा कि हाँ चिड़िया। देखो इसमें हाँ कहानी उतारेंगे और फिर क्या करेंगे उसपे नीचे लाइन खींचेंगे छोटे की मात्रा वाले शब्दों पर। ठीक है हाँ। और देखो इसमें ढूंढो छोटे की मात्रा पिन। कहाँ लिखा है पिन? बता जल्दी बताओ इन्हें। हाँ पिन और ई दिखाई। और है कोई शब्द? देखो बेटा मिठाई। मिठाई इन्हें मिठाई दिखाई दे रहा, बता दो इन्हें मिठाई कहाँ लिखा? मिठाई हाँ छोटी ई की मात्रा वाला है। और हाँ बताओ किरण भी है। गिलास वेरी गुड। और हाँ वो भी लगा मिठाई हाँ किरण। और है कोई? हाँ पिया वेरी गुड। पिया पिया में भी क्या है? छोटी की मात्रा। उसने सारा शरबत पिया ना। चलो और है कुछ? नहीं है अब? नहीं है ना।